देखिए गोपाल जी, जी यदि हम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो जी मात्र जुड़ने मात्र से 90% काम हो जा रहा है। जी जी यदि हम 10 लोगों को जोड़ रहे हैं तो 99% काम वाले हिस्से में हम पहुंच गए हैं। यदि अच्छा, हमने एक सॉरी 20 लोगों को सॉरी, जोड़ दिया है तो 99.9% काम हो गया है। हाँ एक आग्रह है सर, जरा कुछ महत्वपूर्ण सूचना पहले देना चाहता हूँ, जी खुशी की बताइए सूचना है, वो बताइए पहले दे दूँ फिर आपकी पूरी बात सुनूंगा सर। जी बताइए। ठीक है, पहली सूचना यह है कि मैंने भारतीय जवान किसान पार्टी ज्वाइन की है 4 महीना पहले, ओके और इस पार्टी में ये विशेष रूप से फौजियों की पार्टी है। जी इसके 5 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थी फौजियों की, अलग अलग स्टेट्स के, उसको विलय करके एक मजबूत पार्टी का चयन किया गया जिसका नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी। यह पार्टी केरल कन्नूर से रजिस्टर्ड है, 2021 में रजिस्टर्ड हो चुकी है, अच्छा और ठीक इसके है राष्ट्रीय अध्यक्ष है नारायण अंकुशे, जो जी एक फौजी है, रिटायर्ड फौजी, और ये पुणे के रेनॉल्ड बिल्डर भी हैं। 500 करोड़ का ट्रांजेक्शन है इनका। तो अभी हमने दिल्ली में सागरपुर में अपना राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित किया है, जी और 80,000 रुपया किराए पर हमने ये लिया है। अच्छा वेरी और गुड। मैं 4 महीना से, सबसे हाँ पहले देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज आवश्यक है। हम जी बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, जी लेकिन 3 चीज अगर नहीं होगा तो कभी भी हम सफल नहीं हो सकते। पहला है जी कार्यालय, हाँ दूसरा हाँ है कार्यकर्ता, और हाँ तीसरा है कोष। ये 3 चीज जब हो जाता है ना, हाँ तो उसको हाँ आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत तो सुंदर। ये कार्यालय अपना स्थापित हो चुका है, ये मेरा नहीं, आपका भी कार्यालय है। अब हाँ हाँ आप यहाँ पर दिल्ली में हाँ कोई हाँ भी सेंटर आपको लेने की आवश्यकता नहीं, आप दिल्ली जब भी पधारे हाँ तो आप हाँ हमारे कार्यालय पर, जो हम रूखा सूखा खाएंगे आपको खिलाएंगे, और यहाँ पर अतिथियों के ठहरने की भी व्यवस्था मैंने कर रखी है। अच्छा मतलब नीचे में जो फोल्डिंग बिछा कर दिए होता है ना, गद्दा लगा करके, तो इस हाँ तरह की, और किचन की भी व्यवस्था है। तो आपको अच्छा बाहर हम बाहर का कोई खाना नहीं, घरेलू खाना हम बना के खिलाएंगे सर अपने हाथों से। अच्छा हाँ, हाँ और हाँ आपको अपने हाथों से चाय भी पिलाएंगे, हमारे चाय का अलग टेस्ट होता है। और साथ में सुबह सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और योगा का बहुत सुंदर प्राणायाम और मंत्रोच्चारण, ये सारा मेरा सुबह पर होता है। जी ठीक है, और सत्संग भी करते हैं, मजबूत प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का काम भी सुबह सुबह ही करते हैं। बहुत ठीक है सुंदर सर। बहुत और सुंदर बहुत दूसरा सुंदर ये है, जी मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स और भी ब्रीफ कर दूं। मैं राजीव भाई दीक्षित जी को फॉलो करता हूं। आगे आने वाले समय में यदि मैं पार्लियामेंटेरियन बनता हूं, तो जी निश्चित रूप से सबसे पहला ये काम करूंगा कि राजीव भाई दीक्षित जी का जो आइडियोलॉजी है, हाँ हाँ जो जी उनका प्रिंसिपल्स है, जो उनकी जो उन्होंने काम कर दिए, उन सारे चीजों को हम एक्ट बना करके लागू करेंगे पूरे भारत में। ये मेरा बहुत प्रमुख काम होगा, पहला बहुत बहुत घोषणा। सुंदर बहुत सुंदर दूसरा, हम जो है शिक्षा का व्यापार नहीं बनने देंगे और स्वास्थ्य का व्यापार नहीं बनने देंगे, ये दोनों निःशुल्क होगा हर व्यक्ति के लिए। तो जब शिक्षा अगर क्या निःशुल्क हो गया, फ्री नहीं कहेंगे, निःशुल्क कहेंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो बाकी किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आरक्षण का भी लफड़ा खत्म। तीसरा, जितना सरकारी नौकरी में वैकेंसी है, पहले दिन ही शासन में आते ही हमारी सरकार एकदम बनने जा रही है, ये मैं आपको बता दूं। नरेंद्र मोदी की करारी हार होने जा रही है, ये भी मैं बता दूं। हम 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हमारी जो अगली सरकार, फौजी सरकार, क्योंकि सेना ही एक ऐसा ब्रांड है जिस पर देश को नाज है, देश पर जनता का विश्वास है। इन भ्रष्ट नेताओं ने, जो आप कहते हैं ना करप्शन फ्री इंडिया और अपराध मुक्त भारत, मैं इस दोनों का समर्थक हूँ, दोनों का समर्थक हूँ, और मैं एफिडेविट पर हमारी पार्टी अपने लेटर पैड पर आपको लिख के देने के लिए तैयार है कि आपका क्या जो महत्वपूर्ण मिशन है, क्राइम फ्री इंडिया और क्या कहते हैं अपराध मुक्त जो है भारत, है ना, इस हाँ दोनों पॉइंट को हम लिख करके आपको अपने स्टाम्प मार के हम दे सकते हैं, क्योंकि अब मैं उस पद पर हूँ पार्टी में, मैं पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर बिठाया गया हूँ। और इसके बहुत साथ ही बहुत सुंदर मुझे बहुत सुंदर वाराणसी सीट का प्रत्याशी भी घोषित किया जा रहा है। आज हमारा शहीदी दिवस के अवसर पर हमारी पार्टी प्रथम सूची जारी करने जा रही है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो सर, आज शहीदी दिवस के अवसर पर, एक तो हम शहीदों के प्रति अब श्रद्धांजलि, एक चीज कर लें अपन इसके आगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप अपनी बस बात एक मिनट पूरी कर एक लो मिनट पहले। आप पहले हाँ, अपनी बात अब पूरी कर ये है, अब हमारा जो प्लान है ना,
आप इधर उधर के जो लोग हैं जिनके पास ना आइडियोलॉजी है, ना उनका नेटवर्क है, ना उनके पास टीम है, ना उनके पास उस तरह की व्यूह रचना है, तो ये जब तक ये पांचों चीज नहीं होगी तब तक आप जंग नहीं जीत सकते। और खोखले लोग, कमजोर लोग कभी भी क्रांति नहीं करते। क्रांति हमेशा बोनाफाइड आदमी करता है और दबंग आदमी करता है। जो मर मिटने वाला व्यक्ति होता है वही कर सकता है, बाकी दूसरे के बस की बात नहीं है। जो ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं वो कभी क्रांति नहीं करते, और क्रांति पैसे के बदौलत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह के डेडिकेटेड लोग जो देश और समाज की दशा और दिशा परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की पूरी टीम और पूरी फौज हमने तैयार की है। हम आज 100 से ऊपर कैंडिडेट का लिस्ट जारी करने जा रहे हैं, और फिर दूसरा सूची, तीसरा सूची, चौथा सूची में हम टोटल 543 सीटों पर हम उम्मीदवार घोषित करना चाह रहे हैं। अब इसमें मैं दो पॉइंट करना चाहता हूं, वो ये है, आप मध्य प्रदेश के किस सीट से लड़ना चाहते हैं मुझे बताएं। हमारी पार्टी आपको प्रत्याशी बनाना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात कि हम आपके टीम में जितने भी ऊर्जावान लोग हैं उनका मुझे आप केवल एक सूची बना के दे दें, जो पॉलिटिकल रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कैपेबल हैं, उनको हम प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरी जो जैसे मोदी ब्रांड के ऊपर में चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह से हम सैनिक की वर्दी और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी विश्वसनीयता है, उस ब्रांड पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आप समझदार हैं, आप हमारे गुरु हैं। और हमारे पार्टी में हमने अपने कल की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में हम चुनाव प्रबंधन समिति का जो चेयरमैन बनाए हैं वो रॉ के रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, और नरेश राघव जी नाम है उनका, नरेश राघव जी, तो उनको रॉ के उस वरिष्ठ अधिकारी को जो सूबेदार मेजर पद से रिटायर्ड होने के बाद रॉ के अधिकारी बने, उनको हमने अपने चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन बनाया है। दूसरा भरत कुमार पांडे जो सेना में धार्मिक गुरु थे, वो हमारे दूसरे सुरमा हैं, दूसरे हमारे सहयोगी, परम सहयोगी हैं, वो हमारे गुरु हैं, और उसको पार्टी ने नोएडा गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी बनाया है। मैं खुद वाराणसी से हूँ, और हमने अमेठी में, रायबरेली में, गोरखपुर में और महाराजगंज में, और उसके बाद ये आपका इंदौर सीट पे, तो कम से कम एक दर्जन सीट पे हमारे प्रत्याशी चुनिंदे जिसको मैं जानता और समझता था, उनको हमने खड़ा किया है, हमारी अनुशंसा से वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप और आपकी टीम सादर आमंत्रित है हमारे इस महत्वपूर्ण अभियान में, और हम आपके साथ कदम ताल करेंगे, आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में हम काम करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो आपके इस अभियान के लिए, आपके अपने संकल्प के लिए, और संकल्प को जमीन पे उतारने के लिए जो आपने जमीनी कार्रवाई की है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जी सर, प्रणाम। दूसरा जो मैं इतने समय से कमिट कर रहा हूँ कि मैं तभी जो है ना चुनाव लड़ूंगा जब लोग बाग जाग जाएंगे। जी, बिना जी, जगाए हम लोगों को नहीं जड़ेंगे, नहीं करेंगे। लिहाजा यदि मैं कह भी दूंगा कि इस सीट पे मैं लड़ूंगा तो मैं तभी लड़ूंगा जब लोगों को जगा के हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यदि हम 100 करोड़ हो गए और इस बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सभी 21 टास्क फोर्स की बातें मान, 21 लक्ष्यों को मान के 21 टास्क फोर्स को गठित करने का उन्होंने वो कर दिया, तो मैं अपने वचनबद्ध हूँ कि फिर मैं एक भी व्यक्ति को ना तो खड़ा करूंगा और ना ही जो है मैं जो है पूरे कमिटमेंट के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को 500 पार कराने के लिए संकल्पित है। तो इसका मतलब एक मिनट मुझे पूरी बात कहने दी, जैसे मैंने आपको बात कहने दीजिए मुझे बात को। अब इन दो शर्तों के बीच में क्या हम लोगों का वो संभव है? मुझे लगता है कि इसके बीच में भी संभव है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी तो बात मानने वाले नहीं है, राइट? लिहाजा माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऑप्शन वो खुद ही खत्म कर देंगे। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? लेकिन यदि मान लो बाई चांस वो जाग गए और उन्होंने यदि ये कहा कि साहब जो है हमने आपकी पूरी 21 बातें मान ली हैं, जिसमें अब जो है रोजगार की गारंटी आपका फंडामेंटल राइट कर दिया गया है, और हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को आश्वस्त किया है कि इसमें धन बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि रोजगार गारंटी के तहत हम
इतनी एसेट क्रिएट करेंगे और जितनी एसेट क्रिएट होगी उतना धन अपने आप निर्मित हो जाएगा, जिसको मैंने नाम दिया है भारत विकास निधि। ये बहुत पावरफुल मॉडल है जिसमें वर्तमान जो आपकी सोच और चिंतन है वो परिवर्तित हो जाएगा। अभी जिन कंस्ट्रेंट के कारण आप पुराने अनुभव का वो दे रहे हैं वो आपके अनुभव रिडंडेंट हो जाएंगे क्योंकि इकोसिस्टम बदल जाएगा। आज के वर्तमान इकोसिस्टम में आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन आपको इस बात का आभास नहीं है कि ये इकोसिस्टम इतनी आसानी से बदला जा सकता है, केवल हमें पार्लियामेंट में पहुंचने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि हम सीधे क्या पार्लियामेंट में पहुंच के 543 हो सकते हैं या माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से? तो चूंकि वो वर्तमान में सिटिंग है और यदि वो हमारे 21 लक्ष्यों को मान लेते हैं, यदि फिर इसके बाद हम उनको 500 पार कराने की बात नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें पद का लालच है, हम खुद अपने लिए कुछ चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूं। यदि और कोई विकल्प नहीं रहता है और लोग जाग गए तो 543 साथियों को लीड करने की जिम्मेवारी फिर मैथिली शरण गुप्त की है, और वो गारंटी से 21 ऑब्जेक्टिव को जमीन पर उतारने के लिए टेक्नोलॉजी धन समेत पूरी व्यवस्था उनके मॉडल्स में है। तो हमारे कोई बाधा ही नहीं बनेगी, हमें किसी FDI की जरूरत नहीं होगी, FDI इररिलेवेंट हो जाएगा और भारत विश्व गुरु बनने के साथ साथ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा, बल्कि वो विश्व गुरु जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना पर ही बनेगा, उसके वजह से ही बनेगा। अब आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, क्या इसके बीच में आपको कहीं संधि होती दिख रही है, क्या कहीं दोनों का मिलाप दिख रहा है क्या? मुझे लग रहा है, मुझे एक मिनट कह लेने दीजिए, मुझे मिलाप होते हुए दिख रहा है, क्योंकि मेरा प्रजम्पशन ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने अहम के कारण कभी 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए आगे नहीं आएंगे, और जैसे ही वो सामने नहीं आते हैं तो हमारे पास दूसरा विकल्प खुल गया। अब रही तीसरे विकल्प की बात कि क्या मैथिली शरण गुप्त खड़े होंगे, तो मैथिली शरण गुप्त सिर्फ एक ही परिस्थिति में खड़े होंगे जब हम जो है 9 दिन के सरल उपाय के तहत हम सब लोग अपने उसको लगा देंगे और 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम 15,000 पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। यदि 10-10 लोगों को हम जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन जो है 1.5 लाख हो जाएंगे, आज ही बल्कि 1.5 लाख हो जाएंगे, यदि आज ही 10 जोड़ दिया, कल जो है हम 15 लाख हो जाएंगे, तीसरे दिन हम 1.5 करोड़ हो जाएंगे, चौथे दिन 15 करोड़ हो जाएंगे और पांचवें दिन हम 100 करोड़ को पार कर लेंगे। निश्चित रूप से वैसी स्थिति में मैथिली शरण गुप्त को जो आप सीट देंगे वो सीट जो है ना हम ग्रहण कर लेंगे, बल्कि जो सीट आपकी बची होंगी उन सबको इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर दे देंगे, क्योंकि जो चीज आप कमिट कर चुके हो उनको छोड़ देंगे, बाकी जो है इसके आधार पर चुके अपन ने कमिट किया, जैसे आपने जुम करिए 100 को कर लिया या 150 को कर लिया, तो बचे हुए जो सीट है 543 में से वो बची हुई मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपन उनको दे देंगे। लिहाजा जो अपना कमिटमेंट है कि जो लोगों को जोड़ेगा उसे सांसद का टिकट भी मिलेगा और 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर विजयी बना देंगे। अब जिन सीट्स को आप ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं उनको हम छोड़ देंगे, तो बची हुई सीट हम जो है ना क्राइम फ्री भारत के उसके मानेंगे कि साहब ये खाली है, या जिनमें आप बहुत श्योर हैं केवल उनको ही आप फाइनल माने और बच्चों को जो है हम कोशिश करें कि फिर क्राइम फ्री भारत के जो मेरिट में आएंगे लोग जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा इसी सिंगल क्राइटेरिया पे उनको सीट टिकट दे देंगे, और जहां तक बौद्धिक तौर पर जो है ना कुछ आवश्यकता है या धन की आवश्यकता है, एक बार आप पावर में होंगे तो वो कहीं बाधा नहीं बनेगी। क्या आप इन शर्तों के साथ कुछ मिलाप देख रहे हैं क्या, क्योंकि शर्तें शिथिल नहीं होंगी? अब मैं कुछ कहूं या आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। अब सबसे पहले तो